हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सचिन मोदी और एक बार फिर से मैं आप सभी का वेलकम करता हूं हमारे आज के अपने इस सेशन के अंदर। माय डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट कि यूपीएसआई की कल वैकेंसी आउट हो चुकी है और ये वैकेंसी अप्रॉक्सीमेटली 9000 से ज्यादा की वैकेंसीज है। सो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी जानते हैं कि 9000 से ज्यादा की वैकेंसीज के लिए हमेशा लाखों उम्मीदवार तैयारी कर रहे होते हैं और जिनका सपना होता है वर्दी पहनने का, जिनका जुनून होता है वर्दी पहनने का और जिनका एक होता है कि नहीं, मुझे इस बार यूपीएसआई का एग्जाम निकालना है, वो डेफिनेटली इस एग्जाम का काफी टाइम से वेट कर रहे थे। So, आज के सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं कि यूपीएसआई का क्या सिलेबस रहेगा, हमें कौन कौन से टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना है, कौन से सब्जेक्ट का कितना वेटेज रहता है, इसके लिए हम पूरे एग्जाम पैटर्न को समझेंगे और यूपीएसआई में सेलेक्ट होने के बाद हमारी सैलरी का क्या ग्रेड पे रहेगा, क्या हमारी सैलरी रहेगी इन हैंड, क्या हमारे पास में आएगा, वो सब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें, सिलेबस की बात करें, तो डेफिनेटली हमारा पेपर निकलने के बाद जो हमारा फिजिकल टेस्ट होगा, उस फिजिकल टेस्ट की क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या चीजें ऐसी होती है जो जानना बहुत जरूरी है, वो सारी चीजें हम आज के इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, ये वीडियो बहुत छोटा होने वाला है लेकिन आपके पास टू द इंफॉर्मेशन सारी की सारी बातें यहाँ पे सीखने को मिल जाएगी, जानने को मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइस, अगर हम सबसे पहले बात करते हैं यूपीएसआई के सिलेबस के अंदर क्या आता है, तो टोटल चार सेक्शन होंगे इस एग्जाम के अंदर। पहला एक आपका जनरल हिंदी होता है, दूसरा आपका बेसिक लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन या जीके से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, तीसरा आपका मैथ्स होता है और चौथा आपका रीजनिंग होता है। तो टोटल चार सेक्शन से मिलकर के आपका पेपर यहाँ पे तैयार होगा। ध्यान रखिएगा, टोटल मार्क्स जो होते हैं यूपीएसआई पुलिस के, वो टोटल 400 मार्क्स का क्या होता है, आपका पूरा पेपर होता है, यानी 400 मार्क्स का आपका पेपर होता है और आपको उसी में से ही सिलेक्शन निकालना पड़ेगा। लास्ट ईयर की अगर मैं आपको कट ऑफ की बात करता हूँ, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 300 के प्लस गई थी, 320 के आसपास ये गई थी। तो जब लास्ट एसआई का एग्जाम आया था तब 320 के आसपास कट ऑफ गया था। तो डेफिनेटली आपको ये ऑलरेडी दिमाग में सेट रखना है कि आपको काफी अच्छे तरीके से शुरू में ही तैयारी करनी है, ताकि आप इस बार भी 320 330 प्लस क्रॉस कर सकें और अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। ध्यान रखिएगा, क्वालिफाइंग मार्क्स जो बताया गया है, मिनिमम 35% चाहिए हर सब्जेक्ट के अंदर, यानी यहाँ पे भी आपको 35% चाहिए, यहाँ पे भी आपको 35% चाहिए, यहाँ पे भी आपको 35% चाहिए और यहाँ पे भी आपको 35% चाहिए, और ओवरऑल आपको 50% निकालना है, यानी सबका मिला जुला करके आपको 50% प्लस आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो ये याद रखिएगा, ये अपने आप हो जाएगा। अगर हर सब्जेक्ट से आप 35% 35% 35% निकाल लेते हो तो आपका 50% अपने आप क्रॉस हो जाएगा। और एक बात याद रखिएगा गाइस, इस एग्जाम के अंदर, यूपीएसआई के एग्जाम के अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आगे हम बढ़ते हैं, हमारे एग्जाम पैटर्न को समझते हैं कि इस बार हमारा नया सिलेबस, हमारा एग्जाम पैटर्न क्या है। तो जनरल हिंदी के आपके टोटल 40 क्वेश्चन होंगे, लेकिन उसके मार्क्स कितने होंगे, 100 होंगे, यानी ये बात मान के चले कि आपका हर क्वेश्चन 2 से ज्यादा मार्क्स का होने वाला है। इसी तरह से बेसिक लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन या जीके के भी 40 क्वेश्चन होंगे और आपके पास 100 मार्क्स का ये भी होने वाला है। मैथ्स का भी आपका 40 ही क्वेश्चन होगा लेकिन 100 मार्क्स का है, और इसी तरह से रीजनिंग भी आपका 40 क्वेश्चन होगा, टोटल 100 मार्क्स का है। तो आपका टोटल जो है ये 400 नंबर का पेपर हुआ और नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको 160 देखने को मिलेंगे, और 2 घंटे के टाइम में, ध्यान रखना 2 घंटे के टाइम आपको मिलेगा, और 2 घंटे के टाइम में आपको ये सभी 400 क्वेश्चन में से जितना आपको आता है, उतना 400 मार्क्स में से जितना आपको आता है या 160 क्वेश्चन में से जितना भी आपको आता है, उतना आपको सॉल्व करके अपनी एक्यूरेसी को बना करके आगे बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती तो जनरली बच्चा सोचता है चलो ये तुक्का मार देता हूँ, ये तुक्का मार देता हूँ, हो सकता है उस तुक्के मारने की वजह से उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा हो। तो गाइस थोड़ा ध्यान रखिएगा कि आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं है लेकिन आपको फिर भी अपनी एक्यूरेसी 100% ही रखनी है। अगर हम बात करते हैं आगे कि हमारा जनरल हिंदी का सिलेबस क्या है, तो हम बहुत डिटेल में बात करते हैं। देखिए, हिंदी और इंडियन लैंग्वेज ऑब्वियस ही बात है, अपनी हिंदी ग्रामर आने वाली है, एंटोनिम और सिनोनिम आने वाले हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी एकार्थी शब्द आने वाला है, कॉम्प्रिहेंशन यानी कि पैसेज आने वाला है, तत्सम और तद्भव ये आने वाला है, वाक्यांशों के लिए शब्द निर्माण, लोकोक्ति, मुहावरे और ये सारी की सारी चीजें, कारक, लिंग, वचन, ये पूरा आपका हिंदी का सिलेबस है दोस्तों। और हिंदी आपको बहुत अच्छे से तैयार करनी है क्योंकि आपका 100 मार्क्स हिंदी डिसाइड करता है। और मैं जहां तक मैं समझता हूं, जहां तक मैं जानता हूं, बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं सर हिंदी के अंदर वो 80 प्लस गेन कर लेते हैं, तो अगर वो हिंदी में 80 प्लस गेन कर लेते हैं तो इससे अच्छी बात और क्या चाहिए आपको। अगर आपके पास अभी टाइम में वैकेंसी आई है तो डेफिनेटली दोस्तों अपना पूरा जी जान लगा दीजिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करिए, प्रीवियस ईयर कट ऑफ आपको मैं यहाँ पे बता दूंगा, लेकिन आप हिंदी के अंदर जितने ज्यादा प्रैक्टिस सेट्स लगाते हैं, मॉक टेस्ट लगाते हैं, जितने ज्यादा किताबें आप क्लियर करते हैं, पढ़ लेते हैं, उतना आप पॉजिटिव रहेंगे, एग्जाम के बहुत करीब होंगे। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं मैथ्स के सिलेबस की, न्यूमेरिकल एबिलिटी के सिलेबस की, देखिए नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, एस सी एफ, एल सी एम,
टेबल ग्राफ के क्वेश्चंस होते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन, सिंपल इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज एंड मेंचुरेशन। यानी मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी टॉपिक ऐसा होगा जिसमें आपने टेंथ में नहीं पढ़ा होगा, ये सारे टॉपिक आपके टेंथ क्लास तक आ चुके हैं। तो दोस्तों आपको एक बार फिर से थोड़ी और मेहनत करनी है, क्योंकि आप सब ग्रेजुएट होंगे, हो सकता है कि कोई ग्रेजुएट होने वाला होगा, तो डेफिनेटली ये सब चीजें आप कर सकते हैं। आने वाला जो एक दो महीने का टाइम है, उस एक दो महीने के टाइम में आप दिन रात लग जाइए, खूब मेहनत करिए, मैथ्स के अंदर रोजाना दो दो घंटे पढ़िए, आप अपने टॉपिक को सेलेक्ट कर लीजिए कि नंबर सिस्टम के आज मुझे 30 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 40 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, प्रीवियस ईयर के पैटर्न को आप देखिए कि प्रीवियस ईयर में क्या क्या आया है, और उसके अकॉर्डिंग आप मेहनत करना स्टार्ट करिए। वीडियोस देखिए वाईफाई स्टडी चैनल पे, स्टूडियोज चैनल पे, ठीक है, फॉलो करिए सर को, ताकि आप लोगों को मैथ्स यहाँ पे बहुत ज्यादा क्लियर हो सके और अच्छे मार्क्स आप गेन कर सके। रही बात गाइस रीजनिंग की, तो मैं खुद एक रीजनिंग का टीचर हूं, जो मैथ्स जो रीजनिंग पढ़ाता हूं बैंकिंग के एस्पायरेंट्स को, रेलवे के एस्पायरेंट्स को, एसएससी के एस्पायरेंट्स को। तो रीजनिंग की आप बिल्कुल चिंता छोड़ दीजिए, रीजनिंग में अगर आपको 100 में से 100 भी चाहिए तो गाइस मैं आपको 100 में से 100 तक पहुंचा सकता हूं, बस आपको मेरे साथ मेहनत करनी है। ध्यान रखिएगा लॉजिकल डायग्राम, वेन डायग्राम भी क्वेश्चन, सिंबल के रिलेशनशिप, ब्लड रिलेशन वगैरह, कोडेड कोडिफिकेशन, परसेप्शन टेस्ट होता है, क्लासिफिकेशन आपके पास होता है, एक आपकी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी चेक की जाती है, वर्ड फॉर्मेशन अल्फाबेट से होता है, लेटर नंबर सीरीज अल्फाबेट से होता है, और ये एनालॉजी होता है, कॉमन सेंस टेस्ट होता है, डायरेक्शन टेस्ट होता है, लेटर नंबर कोडिंग होती है, डायरेक्शन टेस्ट है, लॉजिकल इंटरप्रेशन ऑफ डेटा है, फोर्सफुलनेस ऑफ द आर्ग्यूमेंट, लॉजिकल रीजनिंग आ रही है, और किस तरीके से आप लॉजिकल रीजनिंग को अप्लाई कर सकते हैं वो आ रहा है, पजल सेटिंग अरेंजमेंट का शॉर्ट फॉर्म आपको देखने को मिल सकता है, रैंकिंग एंड ऑर्डर आपको देखने को मिल सकता है, मिसिंग नंबर, क्लॉक, क्यूब एंड डाइस आपको देखने को मिल सकता है। तो गाइज ये आपका रीजनिंग का सिलेबस होता है, और रीजनिंग के सिलेबस के लिए मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, रीजनिंग आप 100 में से 100 गेन कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर को भी आप देख सकते हैं, उससे आपको ट्रेंड बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा बेसिक लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन एंड जनरल अवेयरनेस, देखिए पूरा सिलेबस बता रहा हूँ क्या क्या पढ़ना है। ह्यूमन राइट्स आपको पढ़ना है, ट्रैफिक रूल्स के बारे में आपको पढ़ना है, नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज के बारे में आपको पढ़ना है, प्रिंसिपल ऑफ क्राइम पनिशमेंट के बारे में आपको पढ़ना है, राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस, जनरल नॉलेज अबाउट लॉ, जनरल नॉलेज अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स, ऑल इंडियन सर्विस, इन्फॉर्मेटिव अबाउट सोशल लॉ रिलेटेड टू द वुमन चिल्ड्रन, रिजर्वेशन ऑफ एससी एसटी एनवायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के बारे में आपको पढ़ना है। तो ये सारे के सारे टॉपिक के बारे में आपको ऑलरेडी नॉलेज है दोस्तों, बस आपको इन्हें तैयार करना है। इसके ऊपर बहुत डीप में आपसे नहीं पूछा जाता, लेकिन जितना भी आपको पता है कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको वो तैयार जरूर करने हैं, ताकि आप जो है एग्जाम के अंदर अच्छा परफॉर्म कर सकें। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं जीके के अंदर, तो गाइस ये जीके का पूरा सिलेबस है जो अब आपके सामने आ चुका है। ध्यान रखिएगा मैं अपने आप को हाइड कर रहा हूं, तो यू कैन सी कंप्लीट, आपके पास पूरा सिलेबस है, इस पूरे सिलेबस को आप अच्छे से देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि क्या क्या जीके के अंदर आ रहा है, अवार्ड बुक्स, करंट अफेयर्स, इंडियन पॉलिटिक्स, इंडियन हिस्ट्री, नेशनल, और ये सारी की सारी जितनी भी चीजें ज्योग्राफी से रिलेटेड, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है, ये सारी चीजें आपको सीखनी है, ताकि आप एग्जाम के अंदर अच्छा परफॉर्म कर सकें। हम बात करते हैं अपने फिजिकल टेस्ट के ऊपर। देखिए फिजिकल टेस्ट में क्या होता है, अब ये एक बार सभी लोग ध्यान से देखिएगा, यूपी पुलिस का जो एसआई का पीएसटी होता है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, ये देखिए यहाँ पे जनरल ओबीसी और एसटी के लिए मेल का जो हाइट बताया गया वो 168 सेंटीमीटर बताया गया है, जबकि चेस्ट 79 से 84 बताया गया है, जबकि एसटी कैटेगरी में अगर मेल आता है तो 160 सेंटीमीटर हाइट चाहिए और चेस्ट चाहिए 77 से 82। इसी तरह से फीमेल के लिए बोला गया कि जनरल ओबीसी और एससी के अगर कैंडिडेट है और फीमेल है तो 152 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए और चेस्ट की यहाँ पे कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सेम इसी तरह से एसटी के लिए यहाँ पे 147 की यहाँ पे क्या की जाती है, हाइट मांगी जाती है। जो भी कैंडिडेट है उनका जो वेट है वो एटलीस्ट 40 किलोग्राम होना चाहिए, फीमेल कैंडिडेट की मैं बात कर रहा हूँ, कम से कम 40 होना चाहिए, 40 से ज्यादा चलेगा। और जो भी मेल कैंडिडेट होते हैं शो हैव अ मिनिमम 5 सेंटीमीटर ऑफ द चेस्ट एक्सपेंशन, यानी कि उनका चेस्ट एक्सपेंशन जब भी वहां पे कहा जाएगा कि आप अपना चेस्ट फुलाइए तो कम से कम 5 सेंटीमीटर चेस्ट आपका फूलना चाहिए, तो ये आपका यहाँ पे बताया गया है मिनिमम, ठीक है। तो फिजिकल आपको ये ध्यान में रखना है। सेम इसी तरह से अगर यूपी पुलिस के अंदर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की मैं बात करता हूँ, पीईटी की मैं बात करता हूँ, तो जरा ध्यान से देखिएगा, रेस के अंदर आपको बोला गया है क्लियरली
कि जो मेल कैंडिडेट होगा वो 4.8 किलोमीटर की जो उसका रेस कंप्लीट करनी पड़ेगी 28 मिनट के अंदर, यानी 28 मिनट में अप्रॉक्सीमेटली 5 किलोमीटर की उसको रेस कंप्लीट करनी है, यानी 30 मिनट में आपको 5 किलोमीटर अभी से तैयार करना है कि आधे घंटे में आप 5 किलोमीटर की रेस कर सकें। और फीमेल कैंडिडेट के लिए 15 या 16 मिनट के अंदर 2.5 किलोमीटर जो है कवर करना बहुत जरूरी है, इस तभी उनका जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है वो कंप्लीट हो पाएगा और वो आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, सैलरी स्ट्रक्चर की हम बात कर लेते हैं दोस्तों। सैलरी स्ट्रक्चर देखिए क्या है, सिक्स पे का जो पे स्केल है वो 9300 से 34800 है, ये आपका पे स्केल है, याद रखिएगा। सैलरी की बात नहीं कर रहा हूँ, पे स्केल की बात कर रहा हूँ। ग्रेड पे आपका 4200 रहने वाला है, इनिशियल बेसिक पे आपका 13500 रहने वाला है, उसके बाद अलाउंसेस आपको मिलेंगे। सेवंथ पे से इनिशियली बेसिक पे आपका 35400 हो गया है, ये सिक्स पे का था, सिक्स पे कमीशन का। सेवंथ पे पे आपका सीधा जो है 13000 से 35000 हो गया है, और ग्रॉस मंथली सैलरी आपकी आएगी 27900 से लेके 104400। ये सब डिपेंड करता है कि आपको कितने अलाउंसेस मिल रहे हैं, आपको कैसे मिल रहे हैं। ठीक है, सो गाइज ये था हमारा पूरा सेशन जो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किया, यूपी पुलिस का सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, सैलरी स्ट्रक्चर। कट ऑफ तक मैंने आपको बता दी कि लास्ट ईयर आपका कट ऑफ गया था 320 के आसपास, तो आपको इससे बेहतर तैयारी करनी है। माई डी स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, और ये इन्फॉर्मेशन बाकी लोगों तक भी आप जरूर से जरूर पहुंचा दीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू।